आपकी जैसी भी परेशानी है, आप अपने पशुओं से परेशान हो, अपनी खेती को लेकर परेशान हो, जो खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, खुदावन के आगे रख दो। आपको 7 दिन के अंदर आपको ये हर चीज का उत्तर आने वाला, यीशु मसीह के नाम से। लोगों को पता चलना चाहिए, हम ऑनलाइन भी हैं, तो लोगों को परमेश्वर की सामर्थ का कैसे पूरी तरह पता चलेगा कि वो कितना महान है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। 3 महीने का बच्चा उस पशु के पेट में था और वो उसके जो गुप्त अंग है उससे क्या आ गया, पशु के बाहर आ गया। हाँ, क्या आ गया? उसे मिसकैरेज भी बोल सकते हैं। इस सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है और जयमाला गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि इनकी भैंस है और 3 महीने हो गए थे कि वो ब्लेस थी और पिछले 2 हफ्ते में वो बीमार हो गई और जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे क्योंकि 3 महीने से वो ब्लेस थी और जैसे जी काफ़ी निराश थे पर जी लगातार इन्होंने संडे की मीटिंग अटेंड कर रहे थे और जैसे ही इनकी फैमिली से इनकी बेटी 3 नवंबर की मीटिंग में आए थे और उन्होंने बताया कि जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड आया कि आज 7 दिन में आप कैसे भी प्रॉब्लम है हो, किसी भी कारण परेशान हो, जो आपके पशुओं के कारण परेशान हो, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो, आज आप विश्वास करें परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करने वाले। तो पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आपकी जैसी भी परेशानी है, आप अपने पशुओं से परेशान हो, अपनी खेती को लेकर परेशान हो, जो खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, खुदावन के आगे रख दो। आपको 7 दिन के अंदर आपको ये हर चीज का उत्तर आने वाला, यीशु मसीह के नाम से। और जैसे इन्होंने इनकी फैमिली इनकी बेटी रिसीव कर गई और जे बता रहे कि जे धन्यवाद में बने रहे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहे, तो जे बता रहे कि उन 7 दिनों में परमेश्वर ने जो इनकी भैंस थी उनको फिर से ब्लेस कर दिया। और इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर इनके घर में आता था, जो मेडिसिन जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, वो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि इतनी जल्दी आपके जो भैंस आपका पशु कैसे ब्लेस हो गया। पर इन्होंने बताया कि जे परमेश्वर की सामर्थ के साथ हुआ है और सच में आज ये बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने फिर से इनके पशु को, इनकी भैंस को ब्लेस कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे प्लीज इस गवाही के लिए। बताओ। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी 3 महीने हुए ब्लेस हुई नु ते असी बाहर ही बद्दी ही मतलब ते ओ बीमार हो गई ते मुड़ के फिर अही जिदन वीरवार 3 तारीख तो आए हां ओदन अही तुहाडे मुख चो आया ही फिर जिन्ना दे कितनी तारीख को 3 तारीख तीन तारीख उस दिन वीरवार 3 तारीख थी। ठीक है जी। ठीक है। थोड़े दिन वीरवार गए थे, मंगलवार नहीं, मुझे मैं नहीं क्लियर हूँ, मुझे अच्छे से बताओ ताकि लोगों, क्योंकि लोग इतने, मुझे पता है इतने वो वाले मन वाले नहीं होते कि वो इतनी ये बात को इतनी गहराई से समझ सकें। हाँ, कुछ समझ गए होंगे पर सब नहीं समझ पाएंगे। समझ आ रही है? देखो, वो 3 महीने पहले से आपका पशु ब्लेस था, है ना, फिर वो बीमार होगी, फिर बीमार होने के बाद क्या हुआ? अच्छा, वो फिर से जो ब्लेसिंग मिली थी आपके पशु को वो चले गई, वो खत्म हो गई थी। आपने चेक कराया वो नहीं था, मतलब उसके बच्चा जो पेट में बन रहा था, मतलब स्टार्ट था, वो बिल्कुल मतलब है नहीं था बिल्कुल भी, है ना। और जब फिर आप इस 3 तारीख की वीरवार की मीटिंग में आए और ये परमेश्वर ने प्रोफेटिक वचन दिया मेरे मुंह से कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके सब काम होने वाले, तब आप विश्वास करके रिसीव करके गए। तो जब डॉक्टर ने फिर से चेक किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या
अपने माइक से बोलो ना, सामने देखो। ब्लेस किया, फिर परमेश्वर ने उन्होंने कहा फिर ब्लेस हुई है। फिर से ब्लेस हो गए। हाँ जी। फिर डॉक्टर भी आपने, मैं गवाही में सुन रहा था कि डॉक्टर बोल रहा था ये कैसे हो गया। हाँ जी, ऐसे बोलने लगा ना डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसने पहले चेक किया तो वो जो बच्चा था वो पहले 3 महीने का वो नहीं था। हाँ जी। जब बीमार होगी है ना। हाँ जी। मतलब क्या, जैसे कुछ मतलब बाहर आया था, कुछ उसके पेट से बाहर आ गया कुछ। हाँ जी। हाँ, ऐसे क्लियर हाँ करके बताओ ना, पूरा लोगों को पता चलना चाहिए। हम ऑनलाइन भी हैं तो लोगों को परमेश्वर की सामर्थ का कैसे पूरी तरह पता चलेगा कि वो कितना महान है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, 3 महीने का बच्चा उस पशु के पेट में था और वो उसके जो गुप्त अंग है उससे क्या आ गया, पशु के बाहर आ गया। हाँ, क्या आ गया, उसे मिसकैरेज भी बोल सकते हैं, है ना। तो बाहर आ गया और वो बीमार होगी, और फिर से जब ये 3 तारीख को वीरवार की मीटिंग में आए और ये प्रोफेटिक वर्ड जो उस दिन खुदावंद ने स्पेशली वो मैंने अनाउंस की थी, ये मीटिंग वीरवार की, कि सब आना, अपने काम छोड़कर भी आना, तो ये आए और ये रिसीव करके गए। और जब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया और उसने देखा कि इनका पशु ब्लेस है, बच्चा है पेट में, और डॉक्टर कहने लगा ये कैसे हो सकता है, क्या से हो सकता है। अरे डॉक्टर हैरान हो गया, क्या हो गया, ये फिर से कैसे हो सकता, और वो भी इतने दिनों के अंदर। जब आप वीरवार आए तो कितने दिन के बाद डॉक्टर आया। पापा जी मंगलवार दी गल। ओ, ये वीरवार को मतलब रिसीव करके गए, वीर शुक्र शनि एज सोम, मंगलवार जब डॉक्टर इनके घर आया तो उसने जब फिर से इनके पशु को चेक किया तो वो कहता ये कैसे हो सकता है, ऐसे बोलने लगा ना, कि इतने कम दिनों में कैसे हो सकता है। बोलो क्या है, इतने कम दिनों में ऐसे कैसे हो सकता है, पर ऐसे काम कौन कर सकता है, बोलो कौन कर सकता है। अब देखो ध्यान से, ये इस गवाही में मेन पॉइंट है कि बच्चा जो 3 महीने का उस पशु के अंदर बना था वो उसके गुप्त अंग से बाहर आ गया, जिसे हम पंजाबी में बोलते बच करके बोलते हो ना। हाँ, बच आ जाना, मतलब छोटा बच्चा बाहर आ जाना, उसे बच करके भी बोलते हैं, बच छोड़ देना है ना, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। पर देखो डॉक्टर देख कर हैरान हो गया कि इतने दिनों के अंदर ये कैसे हो गया। अब अगर ये बुद्धि सबके पास हो, इसीलिए नीति वचन 3:18 में लिखा कि जो बुद्धि है वो चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने से और हीरे से कुंदन से भी अधिक अनमोल है। परमेश्वर कहता है जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है ना, लिखा उस बुद्धि के तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने हाथ में लंबी दीर्घायु लंबी उम्र है, और दाएं में सज्जयत लंबी तेरी उम्र, और बाएं खब्बे हाथ में तेरे लिए धन संपत्ति ऐशोराम, उसमें सब कुछ है। पर कौन ले पाएंगे जो उसके वचन को पूरा करेंगे, कौन ले पाएंगे जो उसके वचन को पूरा करेंगे। ये छोटा काम नहीं है जो खुदावंद ने किया, क्योंकि ऐसे होता नहीं है संसार में। जब परमेश्वर अपना वचन स्वर्ग से भेजता है वो व्यर्थ नहीं ठहरता। मैंने कहा व्यर्थ नहीं ठहरता। जोर से तारीफ करो, दिल से। आमीन। इस सिस्टर का नाम अमन है और जे संगरूर शहर के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही से जे बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए थे जे लूडो गेम बहुत ज्यादा खेलते थे, जब बता रहे कि इतनी ज़्यादा गेम खेल रहे थे कि जो इनके प्रेयर करने का टाइम होता था उस समय जो प्रार्थना भी नहीं करते थे, और जो इनकी प्रार्थना थी वो भी बहुत ही कम हो गई थी, और जो सिर्फ 1 घंटा ही प्रार्थना करते थे, और प्लस जो बाइबल पहले जो पढ़ते थे और इन्होंने बाइबल पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। इतना ज़्यादा जो लूडो गेम खेलते थे कि बहुत ज़्यादा, जे इन्होंने बताया है कि जे सुबह अपने घर का काम भी इतनी जल्दी कर लेते थे कि उसके बाद जे गेम खेलेंगे, और जे बता रहे कि रात के समय भी जे
रात के समय भी जे गेम ही खेलते थे और इतना ज्यादा जे बता रहे कि इस गेम के द्वारा जे बता रहे कि इनका प्रेयर में मन नहीं लगता था। जहाँ तक कि जब थर्सडे की मीटिंग ऑनलाइन होती थी उस दिन भी जे बताते कि इनका मन नहीं करता था मीटिंग अटेंड करने को, और संडे की मीटिंग तो जे देखते थे पर थर्सडे की मीटिंग को भी जे मिस कर जाते थे। और जे बता रहे कि जैसे जे सिस्टर ने बताया है कि पिछले दिन मीटिंग को जो ऑनलाइन देख रहे थे थर्सडे की मीटिंग को 3 नवंबर को, तो उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को जब इन्होंने देखा तो प्रभु के दास के द्वारा जब प्रोफेटिक वर्ड आया था कि 7 दिन के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा नेगेटिव प्रभाव के कारण जब किससे भी प्रॉब्लम आप परेशान हो तो 7 दिन के अंदर ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आज़ाद करेंगे हर एक प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। इस 7 दिन में, एक हफ्ते में परमेश्वर आपको हर बात का उत्तर देगा और आप बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे, आप बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे। मैं नहीं जानता आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन सा गुप्त रूप है, आपकी बॉडी में किस परे तरह की परेशानी है, आप किस चीज से आप परेशान हो, पैसों से हो या किसी और चीज से हो, नशे के कारण परेशान हो, दुष्ट आत्मा के कारण परेशान हो, पर वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो अपना वचन आपके लिए भेजकर आपको छुड़ाता और बचाता है। मैंने कहा जो अपना वचन भेजकर वो आपको छुड़ाता और बचाता है। इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया अपने लिए कि जो मैं बहुत ज्यादा 3 महीने से इस गेम को खेल रही हूँ परमेश्वर आप मुझे आजाद कर चुके हो। और जो बता रहे कि 7 दिन के अंदर ही प्रभु की ग्रेस के द्वारा इन्होंने जो गेम है जो अपने आप जो छोड़ नहीं पा रहे थे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इन्होंने गेम को भी छोड़ दिया। और जो इनका बाइबल पढ़ने में मन नहीं करता था, प्रार्थना में मन नहीं करता था, सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना थी, और आज परमेश्वर की सामर्थ के साथ आज ये सिस्टर 4 घंटे प्रार्थना करते हैं प्लस बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और वचन को भी सुनते हैं। और जी परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रॉब्लम से जो भी जो नेगेटिव पावर के द्वारा था जो मैं बहुत गेम खेलती थी उससे परमेश्वर ने मेरी इस आदत से मुझे छुड़ा दिया है। और प्लस परमेश्वर का जी धन्यवाद करते कि जो 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया जो बाइबल नहीं पढ़ते थे अभी जो रोज़ ही बाइबल भी पढ़ते हैं। और जी परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते इस गवाही के लिए। और सेकंड गवाही इनके बेटे की है, और इनके बेटे की गवाही जे बता रहे हैं कि इनके बेटे को 6 महीने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जिसके कारण इनका बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जब स्कूल जाता था उस समय भी इसको बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और बहुत ज़्यादा जिद करता था। जे बता रहे कि किसी भी टाइम जो दर्द शुरू हो जाती थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी दी और प्लस इन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड भी करवाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, वो नॉर्मल थे और जो भी जो प्रभाव था जो भी नेगेटिव पावर के दौरान था। और इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था कि परमेश्वर जो 7 दिन के अंदर ही जो इसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है आप इसको भी अच्छा कर चुके हो। तो इनके मदर के विश्वास के दौरान ही परमेश्वर ने इस बच्चे की जो प्रॉब्लम थी इसको भी पूरी तरह से आज फ्री कर दिए। और जी सिस्टर बहुत ही धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मेरी इस प्रॉब्लम को भी और मेरे बच्चे की प्रॉब्लम को आज पूरी तरह से फ्री कर दिया। इस बड़ी गवाही के लिए जी बहुत सारा प्रभु का थैंक्स करते। आओ कलीसिया हम परमेश्वर का इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, वो नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। संगरूर से भी इसी मीटिंग की 3 तारीख की गवाही सुनी, संगरूर से भी सुनी ना, वो सिस्टर जो लूडो गेम ही बोल रहे थे ना, नेगेटिव पावर ने कैसे उसे अपनी उस चीज में क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। वो सिस्टर जो 3-3, 4-4 घंटा रोज प्रेयर करने वाली, बाइबल पढ़ने वाली, उसका मन उस फालतू चीज में शैतान ने लगा दिया कि उसके मन में एक ऐसी चीज आ गई जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, अगर वो सारा दिन काम करता है जब शाम होती है 5:30-6 बजे बजते हैं वो छुट्टी करता है तो उसे तलब लगती है कि जल्दी जल्दी से मैं क्या करूं। दारू पीने वाला क्या करता है, हाँ
जल्दी जल्दी से मैं क्या करूं। उसी रीति से उसके मन में, ध्यान से सुनो, उसी रीति से उसके मन में शैतान ने इस फालतू गेम की कितनी मन में क्या डाल दी, लालसा, ललसा, क्या डाल दी, ललसा, डलसा डाल दी। और वो उसके मन में है जल्दी जल्दी से काम करके मैं क्या करूं, जल्दी से अपने घर के काम निपटाऊं और जल्दी से उसको खेलूं, जिसके कारण उसने वीरवार की मीटिंग भी छोड़ दी, अपनी प्रेयर भी कम होगी, बाइबल पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, 4 घंटे वाली 5 घंटे वाली प्रेयर करने वाली एक औरत 1 घंटे पे आ गई, बाइबल पढ़ने वाली रोज औरत उसने बाइबल पढ़नी छोड़ दी। और धीरे धीरे अगर खुदावंद अपना वचन अपने लोगों को ना दे, उसने इस मीटिंग को ना सुना होता और रिसीव ना किया होता, तो शायद ये उसकी आदत और बढ़ जाती और वो खुदावंद से दूर हो जाती। जिस परमेश्वर ने हमें सबको स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए बुलाया है, क्या किया है, बुलाया ना, इसलिए बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और भी भलीभांति समझने का यत्न करो। क्या करो, यत्न करो। अगर उस दिन वो मीटिंग ना सुनती, वो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव ना करती, तो शायद वो छुटकारा मिलता। पर अगर खुदावंद ने वचन स्वर्ग से दिया, क्या दिया, तो परमेश्वर छुटकारा उसे भी दिया और प्लस उसका जो बच्चा था, क्या था उसे हुआ, 6 महीने हो गए थे उसके पेट में दर्द रहती थी, दर्द रहती थी। उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट में भी कुछ आ कुछ नहीं आ रहा। हाँ, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, तीन अल्ट्रासाउंड कराए और टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, जिसका डॉक्टर देखे और इलाज करे। इसे बोलते नकटी पावर, लोग विश्वास नहीं ना करते। हाँ, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, जो लोग यहाँ यीशु मसीह के पास आते हैं, फेथ करते हैं अपने अच्छे जीवन के लिए, जो लोग टेस्ट भी कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता और बंदा परेशान है, वो छोटा बच्चा है 9-10 साल का, उसके पेट में इतनी दर्द होती, उसे तकलीफ है। अब डॉक्टर उसमें कुछ आए तो उसे मेडिसिन दे ना, समझ आ रही है, उस रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में कुछ उसकी बीमारी का कुछ आए कि पेट दर्द होती क्यों है, तो ही तो उसे मेडिसिन दे। अब कुछ आ नहीं रहा, जैसे वो उस वर्ड को अपने बेटे के लिए भी रिसीव कर रही है, तो खुदावंद मां को भी और बेटे को भी, दोनों को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, दोनों को क्या दे रहा है, बोलो क्या दे रहा है, छुटकारा। और ये छुटकारा किसके नाम से है और किसके वचन से मिलता है, पर कब मिलता है, ये मेन चीज है। कब मिलता है, जब हम दिल से, ओ अगर परमेश्वर के दास के मुंह से ये शब्द आ रहा है तो मैंने जाना है, कोई बात नहीं, आज छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। या किसी को अगर बच्चे स्कूल जाना है अर्जेंट है तो कोई बात नहीं, किसी को बुला लेते हैं, अपने रिश्तेदार को बुला लेंगे, वैसे भी तो हम संसार के सारे काम कर लेते हैं ना, तो कोई बात नहीं उनको बुला लेंगे, पर मैंने मीटिंग में जाना है। अगर ऐसा किया होता, अगर हम ये गवाहियां सुन रहे हैं तो और भी सुनते, इससे पता चलता है कि परमेश्वर जो वचन देता है वो काम करता है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। इसीलिए जो शारीरिक मनुष्य होते हैं ना, परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा की बातों को वो ग्रहण नहीं करते, शारीरिक इंसान मेरी आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते। इसकी थोड़ी बताओ, थोड़ी समझ आ रही है, शार्प करो इसे थोड़ा सा। जो शरीर में होते वो ग्रहण नहीं करते, समझ आ रही है, पर जो आत्मा में होते उन्हें पता है, समझ आ रही है, समझ आ रही है। इन चीजों को पकड़ो, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करने वाला है, बहुत ऊंचा करने वाला है। आमीन।